सबसे पहले आप ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, जितने भी फेसबुक के पेज है सभी के सभी मोनेटाइज है, और ये मूवी क्लिप डाल डाल कर एक एक वीडियो से लाखों रुपए कमा रहे हैं। गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर मूवी का क्लिप अपलोड करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, और काफी लोग कमा भी रहे हैं, बस आपको तरीका मालूम नहीं है। तो मैं आज आपको सब कुछ लाइव प्रूफ सिखाने वाला हूँ भैया, वीडियो अपलोड करने से लेकर बैंक में पैसे आने तक बिल्कुल आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ भैया। देखिए कॉपी पेस्ट करने का भी एक अपना तरीका होता है, जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान ये नहीं है, लेकिन मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। वीडियो कहां से लेना है, उसको एडिटिंग कैसे करना है, उसको अपलोड कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कॉपीराइट से कैसे बचना है भैया, पॉलिसी इशू से कैसे बचना है, और वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा। तो सब कुछ एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा कोर्स मैं आपको फ्री में यहां अवेलेबल इस वीडियो में करके दे रहा हूं। तो भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वरना आपका पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आपको पॉइंट बताने वाला हूं ना, मैं पूरा एक्सपीरियंस पहले खुद किया हूं। मेरा एक राजस्थान का दोस्त है जो कि मूवी क्लिप अपलोड करके भैया महीने के $3,000 से $4,000 इजिली निकाल रहा है। चलिए बिना किसी देर के आज किस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप प्रूफ देखिए, देखिए ये सब जितने वीडियोस चल रहे हैं ये सभी के सभी मूवी क्लिप अपलोड करके पैसे कमा रहे हैं भैया। देखिए करेंट टाइम व्यू जो है 10,000 चल रहा है, और ये सब देखिए ये किसी ऑर्डिनरी का पेज नहीं है भाई, ये सब लोकल बंदे का पेज है, मेरी तरह आपके तरह ही है, जो कि ये लोग फेसबुक पे मूवी क्लिप अपलोड करके पैसे कमा रहे हैं। ये पेज भी देखिए इसका भी वही हाल है, ये भी मूवी क्लिप अपलोड करके पैसे कमा रहे हैं और ये फेसबुक पेज मोनेटाइज है, ये कोई बड़ा कंपनी का पेज नहीं है, ये भी कोई लड़का ही होगा मेरी तरह आपकी तरह, जो कि मूवी क्लिप अपलोड करके पैसे कमा रहा है। एक एक दिन में वीडियो वायरल हो जाते हैं भाई, और करेंट टाइम व्यूज भी चलता है अच्छा खासा, और अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं। तो भाई रजाई में ही घुसे रहो और वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में आपके पास एक फेसबुक का फ्रेश पेज होना चाहिए, फ्रेश पेज या फिर नया पेज। फ्रेश पेज बोलने का मतलब है कि उस पर आप ऑलरेडी वीडियो अपलोड ना कर रहे हो, या फिर आप लोग में से काफी सारे ऐसे भाई लोग होते हैं जो कि फेसबुक पेज उनके पास होता है और उसपे वो मल्टीपल वीडियो डाल चुके होते हैं और उसपे से कोई उनका वीडियो वायरल नहीं होता, तो भैया वो पेज डेड हो जाता है, उस पे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होता। फेसबुक का फ्रेश पेज बोलने का मतलब होना चाहिए कि वो आपका पेज हो और उस पर आपने कुछ वीडियो डाला हो जिसपे अच्छे खासे कुछ काज व्यूज गए हो, या फिर आप फेसबुक पर एक नया पेज बना लीजिएगा। नया पेज कैसे बनाना है मेरे प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि फेसबुक पर पेज कैसे बनाया जाता है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, या फिर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिएगा फेसबुक पेज कैसे बनाए बाई कैरी टेक माइंड, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, वहां से जाकर आप पेज बना लीजिएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। पेज बनाने के बाद अब आपको वीडियो कहां से लेना होगा, तब आ जाते हैं भैया स्टेप टू में। स्टेप टू में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात आ जाता है कि आपको वीडियो ढूंढना है, तो भैया हमको वीडियो कौन सा ढूंढना है, कैसा वीडियो ढूंढना है, तो वैसा वीडियो ढूंढना है जो कि ऑलरेडी फेसबुक पे अपलोडेड ना हो। तो आप बोलोगे कि भैया हमको वैसा वीडियो मिलेगा कहां से, वीडियो ढूंढने के लिए आपको तरह तरह के वेबसाइट पे जाना होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो कि न्यू मूवी को डब्ड करके हिंदी में अवेलेबल करवाते हैं, या फिर हॉलीवुड मूवी को हिंदी में डब्ड करके अवेलेबल करवाते हैं, वैसे आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। फिर आप 2018 से पहले वाले मूवीज को डाल सकते हो, क्योंकि 2018 से पहले फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता था, तो 2018 या 19 से ही फेसबुक पेज मोनेटाइज होने लगा, उसके बाद इस पर बड़े बड़े कंपनी आने लगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि भैया देखिए आगे तो मैं इंपॉर्टेंट गलती बताऊंगा ही बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अभी आपको एक पॉइंट पकड़ के रखना है कि बड़े बड़े कोई भी कंपनी हो गया, जैसे गोल्ड माइंस फिल्म हो गया, सिमेरियो मूवी हो गया, सिमेरियो कॉमेडी हो गया, या फिर जो भी बड़े बड़े CMS कंपनी है, उनका आपको कोई भी वीडियो क्लिप वगैरह यूज नहीं करना है। अगर आप उनका वीडियो क्लिप वगैरह यूज करते हो तो वो आपके पेज को 2 मिनट में डिलीट करवा सकते हैं भाई, जी हाँ वो आपके पेज को 2 मिनट में डिलीट करवा देंगे। तो मूवी में से भी जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लिप रहता है, जैसे कोई एक्शन सीन हो गया, रोमांटिक सीन हो गया, या फिर कोई कॉमेडी सीन हो गया, लव स्टोरी सीन हो गया, जो भी मूवी क्लिप में भी जो सबसे मस्त आपको देखने में लगे, जो सबसे जबरदस्त हो, जो लगे कि ये डालते के साथ वायरल हो जाएगा, उसी मूवी क्लिप को आपको उठाना है। उसका ड्यूरेशन आपको 3 से 10 मिनट रखना है, ज्यादा लंबा नहीं रखना है, ठीक है, ज्यादा लंबा रखिएगा
तो आपको किसी से न किसी से मैच कर जाएगा। तो आपको 3 से 10 मिनट का क्लिप उठाना है। चलिए स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब मूवी क्लिप उठाने के बाद स्टेप 3 में आते हैं। इसमें आपको अच्छे से एडिटिंग करना होगा। एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मूवी का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिप में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आपको वीडियो के आगे में रखना होगा। आगे में रखने के बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि जब उसमें आप एडिटिंग करोगे तो उसमें आप बीच बीच में मीम्स को डाल सकते हो, जो कि मीम्स को जब डालिएगा तो उससे आपका कॉपीराइट का खतरा बहुत हद तक कम जाएगा। तो मीम्स को कैसे करना है, अगर आप एडिटिंग से रिलेटेड पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो ये देखिए मेरे प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो पड़ा होगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप ये वाला वीडियो जाकर जरूर से देख लीजिएगा। इसमें मैंने फुल ट्यूटोरियल एडिटिंग के बारे में अच्छे से समझा रखा। चलिए अब उसको अच्छे से एडिटिंग करने के बाद आपको उसको अच्छे से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब बात आ जाता है कि भैया हम उसको अपलोड कैसे करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हम जाते हैं, चलते हैं स्टेप 4 में। तो स्टेप 4 में हम आपको सिखाने वाले हैं कि भैया हम इसको अपलोड कैसे करेंगे। तो अपलोड करने के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको अच्छे से फॉलो करने होंगे। अपलोड करने से पहले आपको इस बात का 100% ध्यान रखना है कि आपने वीडियो को अच्छे से एडिट किया ही किया है, उसके साथ अगर आप वीडियो को अपलोड कर रहे हो तो उसके टाइटल में जो भी मूवी का आप क्लिप उठाए हैं उसमें आपको उस मूवी का नाम नहीं डालना है, ना ही उससे रिलेटेड हैशटैग डालना है, ना ही उसका नाम डिस्क्रिप्शन में डालना है और ना ही उसका नाम टाइटल में डालना है। अगर आप उसका नाम वगैरह टाइटल में डालोगे तो आप पे 100% पॉलिसी इशू आएगा और आपका जो पेज है ना वो मिनटों में डिलीट हो जाएगा। तो आपको मूवी का नाम यूज नहीं करना, ना ही उसका कोई हाईलाइट पार्ट यूज करना है, ठीक है। आपको तब बोलोगे कि भैया हमको टाइटल कहां से लेना है, तो टाइटल आपको उसी मूवी का जो आपको टाइटल मिलेगा, जो क्लिप आपने उठाया है उसी क्लिप से आपको क्या करना है कि कुछ भी टाइटल आपको ढूंढ कर निकाल लेना है। टाइटल ढूंढ कर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ हैशटैग लगाना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लगाना है। टाइटल उठाना है, टाइटल लिखना है, टाइटल को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है और डिस्क्रिप्शन में आपको 5 हैशटैग लगा देना है वीडियो से रिलेटेड। हैशटैग लगाने के बाद सिंपली आपको उस वीडियो को अपलोड कर देना। अब बोलोगे कि भैया हम वीडियो कितनी दिन में अपलोड करेंगे, तो आपका मन करे तो एक दिन में आप 5 वीडियो अपलोड कर सकते हो। जी हां, आप एक दिन में 5 वीडियो अपलोड कर सकते हो। वायरल कैसे करना वो ट्रिक तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये तो जान लीजिए आपको एक दिन में कम से कम 5 मूवी क्लिप को अपलोड करना है। लेकिन भैया अगर आप कम करना चाहते हो तो कम से कम आपको एक दिन में 2 मूवी क्लिप तो जरूर से जरूर अपलोड करना है। चलिए अब वीडियो को आप अच्छे से अपलोड कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेप 5 का। तो स्टेप 5 में भैया हम इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप वीडियो अपलोड करने के लिए स्टार्ट कीजिएगा तब 100% श्योर है कि आपके फेसबुक के पेज के ऊपर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू देखने को मिल जाएगा। तब आपको घबराना नहीं है, आपको जो मैंने वीडियो बताया है उसके रेगुलरिटी से पोस्ट करके आपको सिंपली 10,000 फॉलोअर्स और 6 लाख मिनट्स का जो क्राइटेरिया होता है ना उसको आपको सिंपली से फुलफिल करना है। जैसे ही आप 10,000 फॉलोअर्स और 6 लाख मिनट्स का क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे उसके बाद अब आपको मूवी का क्लिप को अपलोड नहीं करना है। अब आपको सबसे पहले आपको अपना पेज को मोनेटाइज करना है। तो पेज को मोनेटाइज कैसे करेंगे, तो पेज को मोनेटाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको अपने फेसबुक के पेज के ऊपर लाइव आना होगा। जो हम मूवी क्लिप अपलोड कर रहे थे उसको अब अपलोड मत कीजिएगा। अब आपको पर डे 10 से 15 दिनों तक आपको रोज लाइव आना है। लाइव में आपको 10 मिनट कुछ भी करना है, ऐसे ही मतलब कुछ भी दिखा देना है, अपना फेस दिखाना है या फिर कुछ भी, आपको कम से कम 10 मिनट तक पर डे लाइव आना है। लाइव आने के साथ साथ अगर आप में कुछ भी ऐसा वीडियो रहे जो ऐसे ही हेलो गाइस स्वागत करते हैं, कुछ भी ऐसे ही आपको ओरिजिनल फेस कैम वाला वीडियो अपलोड करना है, वैसे ही आपको रेगुलरिटी से जैसे ही 10 से 15 दिन तक आप रेगुलर लाइव आइएगा और ओरिजिनल वीडियो अपलोड कीजिएगा, तब फेसबुक को लगेगा कि नहीं इसका वीडियो वेरिफिकेशन करता है लाइव से। तो लाइव से जब आपके वीडियो को वेरिफिकेशन करेगा फेसबुक को लगेगा कि नहीं भैया ये उसका ओरिजिनल पेज है, इस पे हम मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू दे के गलती कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि सी अनदर रिक्वेस्ट पे रिव्यू आपको सबमिट करना है। पहले अगर रिव्यू देगा तो आपका रिव्यू रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 10 से 15 दिनों तक रेगुलर लाइव आना है और आपको अपना ओरिजिनल वीडियो पोस्ट करना है। वैसे ही आप 10 से 15 दिन रेगुलरिटी से मेंटेन कीजिएगा तो आपके पेज के ऊपर रिव्यू एज सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली रिव्यू एज सबमिट पे क्लिक करना है और 3-4-5 दिनों में आपका जो भी पॉलिसी इशू रहेगा या फिर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू रहेगा उसको फेसबुक हटा देगा। उसको हटाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि आपको मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले आपने
जितने भी मूवी क्लिप अपलोड किए हैं सभी के सभी को डिलीट करके आपको सिंपली आपको अपना पेज को सबसे पहले मोनेटाइज करवा लेना है। अगर आपका मर्जी रहे तो आप नहीं भी डिलीट कीजिएगा, अगर आपका ऐसे ही जो है फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाएगा तो आप उसको ऐसे ही मोनेटाइजेशन के लिए भेज के अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवा लीजिएगा। फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवाने के बाद वहां से अपना पे आउट बना के बैंक डिटेल टोटल डिटेल जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी वहां से खोजता है पैन कार्ड खोजता है पे आउट बनाने के लिए आपके बैंक का स्विफ्ट कोड खोजेगा और अकाउंट नंबर खोजेगा, तो वहां से टोटल डिटेल को फुलफिल करके अपने फेसबुक के पेज को मोनेटाइज कर ले। नोट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, अगर भैया आपका फेसबुक पेज का एडमिन किसी दूसरे कंट्री का है, ठीक है, काफी लोग ये ट्रिक का यूज करते हैं, अगर भैया ये ट्रिक जान लीजिए, अगर आपका फेसबुक पेज का एडमिन जो है किसी दूसरे कंट्री का है, यानी कि आपका फेसबुक पेज का जो एडमिन है ना वो किसी अदर कंट्री से आपके पेज को क्रिएट किया है और फिर आपको एज ए मॉडरेटर या फिर एज ए एडमिन आपको बना दिया, तब आपको इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपली मूवी क्लिप अपलोड कीजिएगा, इजिली आपका फेसबुक का पेज मोनेटाइज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का, अगर भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस करते हो ना तब आपका पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद है। आप मूवी क्लिप तो अपलोड करोगे लेकिन आपका वीडियो नहीं होगा, आपका पेज डिलीट हो जाएगा और भी कुछ हो जाएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भैया जब हम अपने फेसबुक पेज को नया क्रिएट करेंगे तब उस पे हम एक ही प्रकार के कंटेंट को अपलोड करेंगे, जैसे कि अगर हम साउथ मूवी अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको कोई एक न्यू मूवी या फिर कोई मूवी ले लेना है, जैसे कि मान लीजिए हम रोबोट मूवी को ले रहे हैं, मूवी को अपलोड कर रहा हूं, तब मुझे क्या करना है कि रोबोट मूवी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्लिप रहेगा, एक्शन क्लिप रहेगा, जो भी क्लिप रहेगा, सिंपली उसको हमको 10 मिनट के नीचे 3 से 10 मिनट के ड्यूरेशन में 3-4 क्लिप को उसी मूवी के 3-4 क्लिप को काट कर उसको अच्छे से एडिट कर लेना है और एक ही डे मतलब एक ही दिन आपको उन 5 क्लिप को अपलोड कर देना है। और एक ही प्रकार के कंटेंट अपलोड करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर केवल और केवल साउथ की मूवी को अपलोड करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेज के ऊपर साउथ की मूवी को ही अपलोड करना है, उस पर फिर हॉलीवुड हिंदी वगैरह नहीं डालना। अगर आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर हॉलीवुड मूवी को डाल रहे हो तो सिंपली आपको हॉलीवुड मूवी को ही डालना है। अगर आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर ओल्ड मूवी को डाल रहे हो तो सिर्फ अपने फेसबुक पेज के ऊपर आपको ओल्ड मूवी ही डालना है। इसे कहते हैं एक कंटेंट का पावर। अगर आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट को अपलोड करोगे तब आपको इंटरेस्ट के हिसाब से आपके ऑडियंस आएगा, तब आपका जो फेसबुक पेज है ना वो इंस्टेंट वायरल हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो देखिए भैया सबसे बड़ी बात कि ये कोई फिक्स और ये लॉन्ग टाइम वर्क नहीं है, एज ए ये सिर्फ एक पार्ट टाइम वर्क है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम वर्क लेके चलते हो तो आप इसमें बहुत पछताओगे, तब आपको यहां से ही एक ट्रिक को लगाना है। आपको एक पेज को लेकर नहीं चलना, आपको सिंपली 5 से 6 पेज बनाना है और सब पेज पे अलग अलग से एक्सपेरिमेंट करना है, अलग अलग प्रकार के मूवी क्लिप को अपलोड करना है। किसी पर आप साउथ के मूवी को क्लिप अपलोड कर रहे हो तो सिर्फ उस पेज पे आपको साउथ के मूवी के क्लिप को ही अपलोड करना है। किसी पेज के ऊपर आप हॉलीवुड के क्लिप को डाल रहे हो तो आपको न्यू हॉलीवुड मूवी जितने भी आते हैं उसको तरह तरह के वेबसाइट ऐप से आपको डाउनलोड करके एक ही मूवी के क्लिप को 5-6 पार्ट में बना के आपको उस अलग पेज पे उसको अपलोड करना है। उसी प्रकार से आप 5 से 6 पेज पे आप वर्क कर सकते हो जिसमें आपको 1-2 पेज ही सक्सेस होगा, क्योंकि भैया इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कॉपी पेस्ट करके महीने के अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हो तब मेरे दोस्त ने यह अच्छा खासा एक्सपीरियंस बताया था कि देखिए सर अगर आप एक पेज को लेकर चलते हो तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका पेज कभी मोनेटाइज नहीं होगा, कभी भी डिलीट हो सकता है। जी हाँ, कभी भी डिलीट हो सकता है। आप अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो गया तब तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे आप अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दोगे तो भैया एक एक दिन में उस पर 10-10 मिलियन व्यूज आते हैं, तो 10 मिलियन का मतलब समझ जा सकते हो कि अगर आपका पेज मोनेटाइज हो गया तो 2-4 दिनों में ही आप पैसा छाप दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका फेसबुक पेज डिलीट भी हो जाता ना तो जो अर्निंग आपने किया है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पे आउट अकाउंट के द्वारा। तो आपको एक पेज पे निर्भर नहीं रहना, अगर आप एक पेज पे निर्भर रहोगे तो भैया कुछ भी हो सकता है, कभी भी डिलीट हो सकता है, तो आपको 2-3 पेज लेकर चलना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यह होता है कि भैया अगर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर डिलीट नहीं हुआ, मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया, लेकिन मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर रीच बहुत ज्यादा है, तब हम उस अवस्था में क्या कर सकते हैं? तो उस अवस्था में आप बहुत से कामों को कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग करके आप स्टोरी के थ्रू अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, या फिर अगर आपका किसी पेज के ऊपर रीच ज्यादा है और वो मोनेटाइज नहीं हुआ है
तब उससे आप ओरिजिनल जो है पेज, आपका जो ओरिजिनल पेज है जिस पर आप ओरिजिनल वीडियो बनाते हो उसको आप प्रमोट कर सकते हो, वीडियो शेयर करके प्रमोट कर सकते हो, लिंक डाल के अपने यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट कर सकते हो, और फिर आप अपने लोकल एड्स उठाकर, ठीक है, लोकल चीजों को प्रमोट करके, जैसे किसी मतलब कि किसी ज्वेलरी शॉप का प्रमोट कर दिए, किसी जो है फास्ट फूड वाले के शॉप का प्रमोट कर दिए, किसी कोचिंग का प्रचार कर दिए, या फिर इसी प्रकार से लोकल एड्स को प्रमोट करके भी आप बीच में जो है उस क्लिप को लगाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और इसी तरह से आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहना है, जैसे ही आप इस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा तब आपको खुद ब खुद नॉलेज हो जाएगा कि ये वर्क कैसे करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर ये एक ग्रुप में तो शेयर जरूर कीजिए जो आपके भाई बंधु ऐसे ही बैठे हैं और मोबाइल में 1.5 GB खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।